हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरपी फैशंस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग फ्रॉक के डिज़ाइन जो धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सभी डिज़ाइन ट्रेंडिंग और स्टाइलिश हैं। अगर आप कुछ नया ट्रेंड करना चाहती हैं और आप टोटली कन्फ्यूज्ड हैं तो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकती हैं जो आपको अदर लोगों से डिफरेंट लुक देगा और आप अट्रैक्टिव लगेंगी। गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही फैशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर हम ट्रेंडिंग फैशन की बात करें तो हर बार कोई ना कोई नया ट्रेंड आता रहता है और ट्रेंड में क्या आ जाए इसका अंदाज़ा ना मुझे है और ना आपको। ऐसे ही ट्रेंड में लॉन्ग फ्रॉक के डिज़ाइन आ गए हैं जिनका लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। आप इन्हें किसी फंक्शन में या पार्टी में पहन सकती हैं और आप इन फ्रॉक के साथ स्टाइलिश के साथ साथ कम्फर्टेबल भी फील करेंगी। लॉन्ग फ्रॉक दूसरों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये फ्रॉक अनारकली सूट को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। अगर आपके पास लॉन्ग फ्रॉक नहीं है तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। अगर आप घर के लिए बना रही हैं तो आप कोई सिंपल डिज़ाइन चूज़ कर सकती हैं और अगर पार्टी के लिए बना रही हैं तो आप हैवी और मॉडर्न डिज़ाइन चूज़ करें। फ्रॉक का फैशन वैसे तो सदाबहार रहता है। फ्रॉक का फैशन कभी पुराना नहीं होता और आप इसे हर मौसम में कंफर्टेबल ड्रेस के रूप में कैरी कर सकती हैं। वैसे आजकल फ्रॉक में कॉटन के साथ साथ मलमल, सिफॉन, जॉर्जेट का भी यूज़ किया जा रहा है ताकि फ्रॉक को और ज़्यादा फैशनेबल बनाया जा सके। अगर आप स्लिम हैं तो आप लॉन्ग फ्रॉक की हेल्प से थोड़ा फैटी दिख सकती हैं, इसलिए फैशन में पतली लड़कियों की फेवरेट ड्रेस बन गई है। आप इन लॉन्ग फ्रॉक को डिफरेंट वे में पहन सकती हैं जो आपको अलग लुक देगा। लॉन्ग फ्रॉक के साथ हल्की एक्सेसरीज कैरी करें जो आपको ब्यूटीफुल लुक देगा। फुटवेयर की बात करें तो आप हाई हील्स पहने जो आपको स्टाइलिश लुक देगा। फ्रेंड्स, आपको कौन सी फ्रॉक पसंद आई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching. Bye-bye. Take care.